अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर लेक्चर नंबर 37 एंड द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग, वी वर अबाउट टू डिस्कस अबाउट द अमोनिया डेरिवेटिव एडिशन इन द एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और वी कैन से रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो बेटा, जो हमने एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन स्टार्ट किए थे उनके अंदर जो है नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज़ विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। पहले मैं आपको अमोनिया डेरिवेटिव्स के बारे में बता दूं कि ये इस तरह क्यों लिखा हुआ है, अमोनिया क्यों नहीं लिखा हुआ। बेटा, अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता है, NH3 होता है, ठीक है। अमोनिया क्या होता है जी, अमोनिया जो गैस है दिस इज़ NH3। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई भी और ग्रुप लगा दिया जाए, ठीक है, वो ग्रुप कोई भी हो सकता है, NH2 ग्रुप ही हो सकता है, कोई बेंजीन का रिंग हो सकता है, व्हाटएवर, कोई भी ग्रुप हो सकता है। अगर हम एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करवा के कोई भी और ग्रुप लगा दें, क्या बचेगा, NH2 बच जाएगा। और यहाँ पे उस और ग्रुप को लेट सपोज़ मैं जी कह देती हूँ, जनरल नेम, ठीक है, कोई भी ग्रुप के लिए हम कह रहे हैं जी, ठीक है। तो बेटा, ये जो आपके पास है दिस इज़ अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है। बात आपको समझ आ गई होगी होपफुली कि अमोनिया क्या है, NH3। तो अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव करके कोई भी और ग्रुप लगा देंगे तो वो उसका अमोनिया डेरिवेटिव है, ठीक है। सो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जो हैं ये अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया है आपको GNH2 के साथ, ठीक है, टू फॉर्म कंपाउंड कंटेनिंग द ग्रुप। तो इनके रिजल्ट में कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स बनते हैं जिनमें क्या ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड NG, ठीक है। अब ये जो सी डबल बॉन्ड N है ये करैक्टरिस्टिक ग्रुप है इसका, और यहाँ पे ये जो ये वाली जगह है ये डिपेंड करता है कि एल्डिहाइड लिया था आपने या कीटोन। अगर एल्डिहाइड था, लेट सपोज एसिटल्डिहाइड था, तो फिर यहाँ पर एक तरफ H और एक तरफ CH3 होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अगर आपने एसीटोन लिया था तो फिर दोनों तरफ CH3 होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाया है या कीटोन के साथ करवाया है, और अगर एल्डिहाइड के साथ करवाया है तो कौन सा एल्डिहाइड, और अगर कीटोन के साथ करवाया है तो कौन सा कीटोन। और यहाँ पर जो जी है वो मैंने अभी आपको बता दिया कि जी कोई भी ग्रुप हो सकता है, वो हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। तो दिस इज़ अ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स विद अमोनिया डेरिवेटिव। और इस रिएक्शन को बेटा, ये कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, और इस रिएक्शन को हम एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा इसके अंदर जो है जो इसके रिज़ल्ट में जब इसका प्रोडक्ट बनता है तो उस टाइम पे वाटर इसमें से एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, H2O एलिमिनेट हो जाता है इसमें से। और एडिशन, क्योंकि यहाँ पर एडिशन भी है, डबल बॉन्ड ख़त्म हो रहा है, एक डबल बॉन्ड ख़त्म होकर खैर दूसरा डबल बॉन्ड बन रहा है, लेकिन दिस इज़ एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा सॉरी, उसके बाद ये भी उन्होंने बता दिया कि ये एसिड कैटलाइज्ड है। जनरल रिएक्शन यहाँ पर देख लें एक दफ़ा, एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप तो दोनों में ही होगा ना, इसलिए यहाँ पर उन्होंने ये लिख दिया है, इस तरह ये लगा दिए हैं, यहाँ पे आगे कुछ नहीं लिखा हुआ कि H है दोनों तरफ या CH3 है या क्या है, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स क्या होता है, अमोनिया डेरिवेटिव में जो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, आपको पता है, ठीक है। लोन पेयर का क्या मतलब है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये जाकर अटैक करती है इस कार्बन पे, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे ये देखें, ये हाइड्रोजन जो H पॉजिटिव है ये एसिड की प्रेजेंस को बता रहा है, ठीक है, कि एसिड प्रेजेंस है। तो एसिड आपके पास जो है वो क्या होता है, यहाँ पे जाके लग जाता है, ये यहाँ से रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड था अब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज़ अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है, ये जनरल रिएक्शन है, दिस इज़ जनरल सिंगल स्टेप, आप सिंगल स्टेप ही कह सकते हैं इसको कि ये जनरल रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म अभी हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, उसके बाद में रिएक्शंस करवाऊंगे। अब बेटा, जी ग्रुप क्या क्या हो सकता है, जब भी मैंने बात की थी कि NH2 के साथ जी लगा हुआ, तो जी में क्या क्या हो सकता है, लेट सपोज जी OH ग्रुप भी हो सकता है, फिर क्या बनेगा, NH2OH, ठीक है, साथ साथ ज़ेहन में रखते जाइएगा कि अगर जी जो है वो OH है तो फिर आपका अमोनिया डेरिवेटिव कौन सा होगा, NH2OH। अगर आपका जी ग्रुप जो है वो NH2 ही है तो फिर आपका जो है वो अमोनिया डेरिवेटिव क्या होगा, NH2NH2, ठीक है, ये। अच्छा, उसके बाद जो है इसे हम हाइड्रोजीन कहते होते हैं, NH2NH2 जो ग्रुप होता है ना, इसे हाइड्रोजीन कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा जी ग्रुप क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि फिनाइल ग्रुप के ऊपर NH लगा हुआ हो, यूं
ये फिनाइल है C6H5 और यहाँ पे NH लगा हुआ हो तो फिर यहाँ पे क्या क्या बनेगा आपका ग्रुप, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, ये फिर आपका ये अमोनिया डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, अगर आपका जी ग्रुप ये है, दिस इज़ NH सी डबल बॉन्ड ओ NH2, तो फिर आपका अमोनिया डेरिवेटिव क्या बनेगा, फिर आपका अमोनिया डेरिवेटिव ये बनेगा कि क्या है जी ये ग्रुप NH2 सी डबल बॉन्ड ओ NH, ये जी ग्रुप है, ये अभी तक हमने जी ग्रुप लिखा है और एंड पे क्या आना था NH2, क्योंकि वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये आपका ग्रुप बन जाएगा। यू विल अंडरस्टैंड इट क्वाइट वेल जब हम इसको रिएक्शंस में अभी देखेंगे। तो सम कॉमनली यूज्ड अमोनिया डेरिवेटिव्स आर हाइड्रोक्सिलमीन। बेटा ये जो ग्रुप है अगर जी ओ एच है आपके पास, यानी NH2OH बन रहा है, तो फिर ये इसे हाइड्रोक्सिलमीन कहते हैं। ये हाइड्राजीन है, दिस इज़ फिनाइल हाइड्राजीन, दिस इज़ सेमी कार्बाजाइड, और ये जो लास्ट में आपके पास दिस इज़ 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये वाला सॉरी जो ग्रुप था ना, ठीक है ये 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन है आई थिंक। और इसके बाद बेटा रिएक्शंस हैं, लेकिन जो अमोनिया डेरिवेटिव्स के, उससे पहले मैं आपको जनरल मैकेनिज्म समझा दूं कि अमोनिया डेरिवेटिव्स के रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म क्या है। जनरल मैकेनिज्म पता होगा तो ही आप ये रिएक्शंस जो हैं वो, इनके प्रोडक्ट्स जो है वो बना सकेंगे। ठीक है, जनरल रिएक्शन लाजमी लिखते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि जी अमोनिया डेरिवेटिव्स के रिएक्शन लिखें, तो बेटा कभी भी ऐसे नहीं करना कि ये रिएक्शंस आप लिखते हैं तीनों और इसकी जो है वो मैकेनिज्म ना लिखें। सबसे पहले मैकेनिज्म लिखें, उसके बाद ये रिएक्शंस लिखें। अब मैकेनिज्म देखें बेटा, ये 3-स्टेप मैकेनिज्म है। पहला स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप है इसका, दैट इज़ प्रोटोनेशन। ठीक है, प्रोटोनेशन किसकी, ऑक्सीजन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना। क्योंकि ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है तो एसिड तो अवेलेबल होगा ना, यानी प्रोटॉन तो अवेलेबल होगा हमारे पास कैटलिस्ट में के तौर पे। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या है जी, प्रोटॉन इन द फॉर्म ऑफ जो एसिड कैटलाइज्ड हमारे पास है, वो क्या करेगा, आकर इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटोनेट हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड OH आ जाएगा। अब कार्बन को क्योंकि चार जो है वो बॉन्ड बनाने हैं और यहाँ पे तीन बन गए हैं, इसलिए कार्बन के ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेकंड जो स्टेप है, सेकंड स्टेप ये है कि जो हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव है उसका नाइट्रोजन, ये जो जिसके पास लोन पेयर है, ये अटैक करेगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर। ठीक है, सो सेकंड स्टेप क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ नाइट्रोजन ऑन कार्बन। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एंड डी प्रोटोनेशन ऑफ द अटैक। अब ये क्या होगा, ये जाकर इसके ऊपर अटैक करेगी। ठीक है, जैसे ही ये अटैक करेगी ना, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये अडक्ट बना, अडक्ट का मतलब प्रोडक्ट यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया। अब क्योंकि नाइट्रोजन बेटा 3 बॉन्ड बना सकती है, 4 नहीं बना सकती, यहाँ देखें इसने 4 बनाया हुआ है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सॉरी, ये देखें, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी जो है ये स्टेबल नहीं होता, ये फौरन से एक हाइड्रोजन को जो है डीप्रोटोनेट कर देगी, यानी कि रिमूव कर देगी, ताकि नाइट्रोजन के दोबारा से 3 बॉन्ड बन जाए, 3 बॉन्ड बने तो वो स्टेबल होती है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गई, ये यहाँ पे। ठीक है, ये जो इन्होंने माइनस एज पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पर आपके पास जो है वो क्या हो गई है, प्रोटॉन रिमूव हो गया। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ है, नाइट्रोजन ने अटैक किया है कार्बन के ऊपर। ठीक है, और फिर क्या हुआ है कि ये हाइड्रोजन जो थी ये वाली, ये रिमूव हो गई यहाँ से। ठीक है, चलें उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है वो क्या होगा, जो थर्ड स्टेप बनता है। अच्छा, एक काम कीजिएगा, यहाँ पे जो है ना आपके पास, यहाँ एच पॉजिटिव नहीं आएगा, इसको मत लिखिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, अच्छा थर्ड स्टेप देखिएगा, लास्ट में प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉलोड बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। अब क्या होना है, वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जाहिर है उसकी ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगी और वाटर रिमूव हो जाएगा। अब बेटा क्योंकि हमारे पास ये क्या है, एसिड कैटालिसिस है, एसिड अवेलेबल होगा, ये एच पॉजिटिव, यानी कि ये जो भी हाइड्रोजन निकला है ये वहीं पे अवेलेबल है ना अभी भी, तो ये एच पॉजिटिव इस ओ एच के साथ मिलके क्या बना देगा, वाटर। ये रहा वाटर। ठीक है,
आप चाहें तो यहाँ पे माइनस एच टू ओ लिख लिया करें या फिर यहाँ पे एंड में प्लस एच टू ओ लिख लिया करें, ठीक है। दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि इसमें से वाटर जो है वो एलिमिनेट हो रहा है। तो ये क्या हो गया जी, वाटर यहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ पे जो कार्बन और नाइट्रोजन है इनके दरमियान क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी नाइट्रोजन की, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुई है ये देखें, मैं इसको क्लोज करके ज़रा आपको बता देती हूँ। ये देखें यहाँ पे हाइड्रोजन भी रिमूव हुई है और वाटर रिमूव हुआ है। तो बेटा वाटर क्योंकि रिमूव हुआ है इसलिए ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है या एंड पे समझ लें दोबारा बन रही है, तो ये इस बात का सबूत है कि एसिड यहाँ पर क्या कर रहा था, एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा था। क्योंकि हमने कहा था कि एसिड जो हमने दिया है स्टार्टिंग में वो अगर कैटलिस्ट है तो वो दोबारा बन जाना चाहिए ना, एसिड कैटालिसिस में यही होता है। तो आपके पास यहाँ पर एसिड कैटालिसिस के थ्रू हमारा प्रोडक्ट बन गया विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। दिस वॉज द जनरल रिएक्शन ऑफ या मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद अमोनिया डेरिवेटिव। अब हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं रिएक्शन। सबसे पहले क्या है जी, अमोनिया डेरिवेटिव कौन सा है, हाइड्रोक्सिलमीन, क्या है, NH2OH। अब यहाँ पर इन्हें डायरेक्टली अगर आप मैकेनिज्म एक दफ़ा लिख देते हैं फिर आप ये इनको जनरली जो है वो इस तरह से कर सकते हैं, वरना आप अलहदा अलहदा सबका मैकेनिज्म लिखें तो ज़्यादा बेहतर ये है कि सबसे पहले अगर लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले मैकेनिज्म लिख दें अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन का, और उसके बाद ये क्वेश्चन इस तरह से अटैम्प्ट कर लें। अच्छा, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलमीन देखें जी, सबसे पहले हम किसके साथ करवा रहे हैं, एल्डिहाइड के साथ। कौन सा एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल जिसको कहते हैं। NH2OH के साथ आपने इसको रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एच पॉजिटिव लिखा हुआ है। क्या प्रोडक्ट बना आपका, CH3H डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या था जी, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे जी, ठीक है, ये जहन में रखना है ये वाला आपने। तो बेटा वही हुआ यहाँ पे, क्योंकि एल्डिहाइड था CH3H, तो यहाँ पे ये CH3H है, सी डबल बॉन्ड N, सॉरी ये N है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे जी हमारा क्या था, OH था, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये प्रोडक्ट बन गया। इसी तरह नेक्स्ट देखें कीटोन, कीटोन में क्योंकि हमने प्रोपेनोन यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, अच्छा इसको यहाँ पे ठीक कर लें, ये एसीटोन है, ठीक है, प्रोपेनोन नहीं है, एसीटोन है, ये शायद इन्होंने बाय मिस्टेक लिख दिया। अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा जो है, प्रोपेन ऑक्साइम, ठीक है, ये तो ऐसी, ये हमारे पास एसीटोन ही है, ये हमारे पास प्रोपेन ऑक्साइम हो सकती है, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। अच्छा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन देखें, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन है। फिनाइल हाइड्रोजीन में जी ग्रुप हमारे पास कौन सा है, NHC6H5, यही वाला है ना, ठीक है, ये वाला। तो इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये जो प्रोडक्ट्स हमारे पास बनेंगे वो कौन से हैं जी, एथेनिल फिनाइल हाइड्रोजोन्स एंड प्रोपेनोन फिनाइल हाइड्रोजोन्स, ठीक है, तो ये हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजोन्स बन जाएंगे। अच्छा इन्होंने सबको ही प्रोपेन लिखा हुआ है, चलें ठीक है ये लिखा रहने दीजिएगा, इसको ना चेंज कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास वही इसी तरह से एसिड की जो प्रेजेंस में या एसिड कैटालिसिस होगी और उसके रिजल्ट में ये प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ पर कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हाउ हाइड्रोजोन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, तो आपने बताना है कि हाइड्रोजोन्स कैसे बनते हैं, इस तरह से बनते हैं। मैंने कहा था ना कभी रिएक्टेंट दे के कभी प्रोडक्ट दे के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा उसके बाद रिएक्शन विद हाइड्रोजीन है। हाइड्रोजीन क्या होता है, NH2NH2। इसके अंदर क्या होगा, ये अगर हमने एसिटाल्डिहाइड यूज़ किया फॉर एग्जांपल, तो CH3H सी डबल बॉन्ड N, यहाँ पे NH2 आ जाएगा। देखिए वाटर सब में एलिमिनेट हो रहा है, ये जहन में रखना है आपने, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम इसको जो है वो एसीटोन के साथ, अब ये देखें इन्होंने यहाँ पे यही काम किया हुआ है, यहाँ पे एसीटोन लिख दिया है इसको और यहाँ पे प्रोपेनोन लिख दिया, बेटा इसको ठीक कर लीजिएगा, ये एसीटोन ही है, ठीक है, ये इन्होंने बाय मिस्टेक मेरे ख्याल से पहले लिख दिया है। आपने क्या करना है, यहाँ पे एसीटोन कर देना है, इसको यहाँ पे भी एसीटोन कर देना है, और ये एसीटोन ऑक्साइम है, ये भी एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजीन हाइड्रोजोन है, ठीक है, इनको ठीक कर लीजिएगा, ये मिस्टेक्स हो जाती हैं अगर आपकी बुक में हुई है तो, अगर ठीक है तो कोई मसला नहीं। अच्छा एसीटोन के साथ नेक्स्ट आपके पास जो है वो हम जो हाइड्रोजीन को रिएक्ट करवा रहे हैं और हमारे पास क्या बना है, एसीटोन हाइड्रोजोन्स बन गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है हाइड्रोजोन्स कैसे बनते हैं, फिनाइल हाइड्रोजोन्स, देखें ये फिनाइल हाइड्रोजोन्स हैं ये वाले, जब हमने फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करवाया तो प्रोडक्ट क्या बना, फिनाइल हाइड्रोजोन, और जब हाइड्रोजीन्स के साथ रिएक्ट करवाया तो प्रोडक्ट क्या बना,
हाइड्राजोन्स बना, ठीक है। तो ये इनमें फ़र्क है। लास्ट आपके पास जो अमोनिया डेरिवेटिव्स में है वो है 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन। अब 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजीन क्या है बेटा, पहले तो इसको देख लें। ये जो बना हुआ है आपके पास, दिस इज़ 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजीन। मैं आपको ज़रा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें बेटा, आपके पास फिनाइल का रिंग है और उसके एक तरफ NH-NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो आपके पास क्या है, फिनाइल हाइड्राजीन, जो भी पीछे हमने पढ़ा था, ठीक है। जब फिनाइल हाइड्राजीन की इस पोजीशन और इस पोजीशन, देखिए ये इसके ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये तो कार्बन नंबर 1 हो जाएगी। दिस इज़ कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। तो अब कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 के ऊपर क्या ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। इस वजह से हम इसे नाम देते हैं 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजीन, ठीक है। फिनाइल हाइड्राजीन वही जैसे पीछे हमने पढ़ा, ये बात समझ आ गई। अब जब ये हमारे पास रिएक्ट होगा अमोनिया डेरिवेटिव, उस केस में क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन होगा, उसी तरह से हाइड्रोजन और जो वाटर है वो प्रोड्यूस हो गए हैं दोबारा से। तो यहाँ पर आपके पास CH3 सी डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये सी डबल बॉन्ड N बन गया और आगे ये ग्रुप वैसे का वैसे, ठीक है। तो ये क्या बना है, एसिटाल्डिहाइड 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजीन। और जब हमने एसीटोन यूज़ किया स्टार्टिंग मटीरियल, तो उस केस में ये एसीटोन 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजीन बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से रिएक्शन है। अच्छा यहाँ पे देख लें लास्ट में, द रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बिकॉज 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजोन्स आर यूजुअली येलो और ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये आप आगे ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में भी देखेंगे कि अगर हमने बाकी भी सब्सटेंसेस पढ़े हुए और उनमें एल्डिहाइड और कीटोन को फाइंड करना है या डिस्टिंग्विश करना है, तो हम ये 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजीन का टेस्ट करवाते हैं। उसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि अगर ये जो बनते हैं ना एसिटाल्डिहाइड 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजीन या फिर कीटोन के या एसीटोन के 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजीन बेटा, ये येलो या फिर ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स की फॉर्म में बनते हैं। तो अगर ऑरेंज या येलो क्रिस्टल्स बने हैं तो उसका मतलब जो मटेरियल था या जो सब्सटेंस था वो एल्डिहाइड या कीटोन है, अगर नहीं बने तो फिर वो एल्डिहाइड या कीटोन्स नहीं है। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के तौर पर भी यूज़ होता है, ठीक हो गया। इसके बाद मैकेनिज्म मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इसका। नेक्स्ट आपके पास एडिशन ऑफ अल्कोहल्स है। अल्कोहल्स की एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड किस तरह से होती है कि अगर हम एल्डिहाइड्स में जो है ये एल्डिहाइड है, ठीक है, जैसे कि एल्डिहाइड्स कंबाइन विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl टू फॉर्म एसिटाल्स, ठीक है। एसिटाल्स बनाने के लिए क्वेश्चन यू भी आ जाता है, हाउ एसिटाल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एल्डिहाइड्स, ठीक है। तो किस तरह से बनते हैं, ये आपके पास एथेनॉल है, एथेनॉल ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक डबल बॉन्ड जो है आपके पास ख़त्म हो के OC2H5 ग्रुप एज इट इज़ जाके लग जाएगा और दूसरी साइड पे आपके पास जो है वो एक और दूसरा OC2H5 ग्रुप लग जाएगा। वाटर इसमें से रिमूव हो जाएगा इन जैसे कि नॉर्मल एलिमिनेशन होती है। तो ये आपके पास 1,1-diethoxyethane एसिटाल या फिर एसिटाल बन गया है, ठीक है। और अगर हम जो है द रिएक्शन में भी यूज टू प्रोटेक्ट द एल्डिहाइड ग्रुप अगेंस्ट अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स टू रीजनरेट एल्डिहाइड, द एसिटाल इज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि एल्डिहाइड्स को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है कि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। बेटा मैंने बताया था एल्डिहाइड्स बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाती हैं एसिड्स में, ठीक है। तो उनकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए कि वो अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाएं तो फिर एल्डिहाइड्स तो किसी काम के ना रहे, वो तो एसिड में कन्वर्ट हो गए ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अक्सर उन्हें एसिटाल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एसिटाल्स मुश्किल से ऑक्सीडाइज होते हैं और जब ज़रूरत पड़े वो दोबारा उनकी हम रिडक्शन करवा के उन्हें इसमें कन्वर्ट करवा लेते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। तो टू रीजनरेट एल्डिहाइड एसिटाल इज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो वाटर की क्योंकि रिमूवल से बना था एसिटाल, वही वाटर दोबारा ऐड करवा के हम जो है वो एल्डिहाइड जो है वो बना लेते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि एसिटाल्स कैसे बनते हैं, दूसरा कि आप एल्डिहाइड्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन से, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, कीटोन्स जो हैं ये रिएक्शन नहीं देते, कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट अंडर दीज कंडीशंस। कीटोन्स वैसे भी जो है एल्डिहाइड्स की निस्बत कीटोन्स के रिएक्शन थोड़े से मुश्किल होते हैं, ठीक है। कीटोन्स आर अ लिटिल बिट रेजिस्टेंट टू रिएक्शंस या रिएक्टिविटी उनकी कम होती है। तो बेटा यहाँ तक ये कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैकेनिज्म क्लियर होना चाहिए, इनके बाकी जो रिएक्शंस हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है। इनको करके इसको लिख लीजिएगा और उसके बाद मुझे जो है चेक करवा दीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कल के लेक्चर में पूछ लीजिएगा।
कल आई विल ट्राई कि आपका ये लेक्चर चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो फिर आपका 12th चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, और ये जितने 4 आई थिंक हमने चैप्टर किए हैं ये कम्प्लीट हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।